बेंगाबाद वासियों हो जाए सावधान, क्योंकि बेंगाबाद सामुदायिक अस्पताल भी हो चुका है सील। जी जानकारी दे दें, एक स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से बेंगाबाद सामुदायिक अस्पताल में हड़कंप मच गया है। आखिर लोग इलाज अब कराए तो कहां कराए? तो घबराने की जरूरत नहीं है। इधर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संतोष कुमार से बात करने पर उन्होंने बताया कि इमरजेंसी खुला है और डिलीवरी जो महिलाओं का होता है वह भी खुला है, लेकिन इसके अलावे जो और अन्य बीमारियों के लिए आते थे उनके लिए मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल बेंगाबाद सामुदायिक अस्पताल को मुख्य द्वार सील कर दिया गया है और बाकी लोगों का भी स्वाब जांच लिया गया है। वहीं पूरे अस्पताल में सैनिटाइज किया गया है और स्वच्छता को लेकर विशेष ध्यान रखने की बात डॉक्टर संतोष कुमार ने कही है। बहरहाल जो भी हो, इस कोरोना वैश्विक महामारी में हम सबों को स्वच्छ रहना है, घर पर रहना है और सुरक्षित रहना है, सोशल डिस्टेंस का फॉलो करना है, सरकार के गाइडलाइंस के नियमों का पालन करना है, तभी इस कोरोना वैश्विक महामारी से जीत सकते हैं। अन्यथा ये लगातार जो चला आ रहा है, जिससे लोगों में एक अलग सी बात सामने आ रही है। जी जानकारी दे दें कि बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में अब तक जितने भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं वह बदलिया कोविड सेंटर जाने के बाद 3 दिनों के बाद नेगेटिव लगातार आ रहे हैं। ये तो राहत की खबर है, लेकिन फिर भी सचेत रहने की भी जरूरत है, क्योंकि अगर हम सचेत नहीं रहते हैं तो खतरा कहीं हम पर नहीं मंडरा जाए, आप पर नहीं मंडरा जाए। जरूरत है हम सबों को सावधान रहने की, अलर्ट रहने की। इस कोरोना वैश्विक महामारी से जीतने का एक ही उपाय अब तक निकल करके सामने आया है कि सोशल डिस्टेंस का हम सभी फॉलो करें। वैसे कहा तो जा रहा है कि इसका वैक्सीन निकल चुका है, लेकिन अभी तक हम लोगों के तक नहीं पहुंच पाया है। तो तब तक तो हमें सुरक्षित रहने की जरूरत है और अपने आप में संभलने की जरूरत है। जी थैंक यू। मैं आरती, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहे BNB के साथ, और वीडियो पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो बने रहे BNB के साथ। BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम।